हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। आपने एक नाइन्थ क्लास में बहुत सारे एलिमेंट के बारे में पढ़ा होगा कि एलिमेंट्स होता है और एटम्स होते हैं, तो उनके तो आज उन एलिमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि एलिमेंट्स किस तरह के होते हैं, उनको कैटेगराइज करेंगे। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो मेटल होते हैं और कुछ नॉन मेटल होते हैं, जैसा टॉपिक का नाम ही है। तो हमें मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ना है कि कौन से एलिमेंट्स मेटल की कैटेगरी में रखे जा सकते हैं, कौन से नॉन मेटल की कैटेगरी में रखे जा सकते हैं। वैसे इसका कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ प्रॉपर्टीज है जिसके आधार पे हम क्लासिफाई कर पाते हैं कि ये अगर प्रॉपर्टी जिसमें होगा तो ये मेटल होगा, और अगर इस तरह की प्रॉपर्टीज होगी तो हम उसे नॉन मेटल कहेंगे। कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं, देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स which has characteristics of metals and non-metals both. Such metals are called metalloids. कुछ है जो इनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी थोड़ी है, उसको हम न तो प्योरली मेटल कह सकते हैं न प्योरली नॉन मेटल कह सकते हैं, तो उनको हम कहते हैं मेटलॉइड्स। तो आइए हम देखते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके आधार पे हम कुछ एलिमेंट्स को मेटल्स कहते हैं और कुछ एलिमेंट्स को नॉन मेटल्स कहते हैं, और थोड़े से एलिमेंट जो हैं उनको हम मेटलॉइड्स कहते हैं। तो पहले मेटल की बात करते हैं। हम अपने घर में आसपास बहुत सारे इस तरह के मेटल्स देखते हैं, भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक वायर ले लें, कोई भी आप देखते हैं घर में बिजली का तार जो है उसके अंदर एक कॉपर होता है, एल्युमिनियम होता है, आयरन होता है, इस तरीके का वायर तो होता है। तो आप देखते हैं कि उनमें से ये सब क्या कहलाता है, ये सब मेटल कहलाता है। तो अब इसी को समझने पे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि मेटल्स क्या है। मेटल्स वो है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्योंकि उसमें से करंट फ्लो होता है कि नहीं। अब मेटल की आप सीट देखते होंगे, दरवाजे बने होते हैं आपके घर पे, खिड़की बनी होती है, जालियां बनी होती है, तो इसका मतलब है कि मेटल्स वो है, या आयरन की जाली बनी होती है, आयरन के सीट बने होते हैं, आयरन की प्लेट होती है। तो ये सब समझ जाएंगे कि मेटल्स में ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होने लायक होती है कि उनके हम वायर्स खींच सकते हैं, कॉपर के वायर होती है, एल्युमिनियम की वायर होती है, इसका मतलब हम उसमें वायर भी खींच सकते हैं, उसकी चादर बनाए जा सकते हैं, वी कैन बीटन देम इनटू फॉर्म ऑफ सीट्स, तो उनके सीट के फॉर्म में हम उसे बीट कर सकते हैं। तो इस तरीके की कुछ चीजें हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके आधार पे आप कुछ जो मेटल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनको डिसाइड कर सकते हैं कि मेटल्स हैं, यानी यही सब कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो नॉन मेटल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, बारी बारी से हम इस पे बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी जो फिजिकल अपीयरेंस के हिसाब से होती है कि वो अपीयर कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसका स्टेट्स कैसा है, यानी उसकी अवस्था कैसी है, कि वो सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, उसका टेम्परेचर कितना होता है, उसकी बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट कितनी होती है, लाइक दैट। तो ये सब कहलाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। तो आइए बारी बारी से सीखते हैं मेटल और नॉन मेटल के बारे में। ये 10th क्लास का तीसरा टॉपिक है और इस पे हम चर्चा कर रहे हैं कि मेटल और नॉन मेटल कैसे आइडेंटिफाई करें। अब जब कोई डेफिनेशन नहीं है तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में डिसाइड करने के लिए इलेक्ट्रॉन थ्योरी एक आती है। इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या है कि मेटल्स में बेसिकली ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। अब इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्या होता है भाई, कि हर एक एलिमेंट का एक एटम होता है, और एटम में जैसा कि आपको पता है कि उसके अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो न्यूक्लियस में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता रहता है। तो जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, जिनके ऑक्टेट पूरे नहीं होते, ऑक्टेट पूरे नहीं होते इसका मतलब जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो स्टेबिलिटी के लिए ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं, और ऑक्टेट पूरा करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, या इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, या शेयरिंग करते हैं। तो जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है उसको हम मेटल कहते हैं। यानी ये क्या है कि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो पहले बराबर होते हैं जब न्यूट्रल पोजिशन में होता है,
जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाएंगे, और आपको पता है कि एक प्रोटॉन कितना होता है, पॉजिटिव चार्जेज होता है, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्जेज होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो नेगेटिव चार्जेज कम हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्जेज ज्यादा हो जाएंगे। तो इस तरह से वो पॉजिटिव चार्जेज ज्यादा होने की वजह से पॉजिटिव आयन बनाता है, यानी इलेक्ट्रॉन लूज करने से वो पॉजिटिव आयन बनाता है, इसलिए उस एलिमेंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। क्या बनाता है? पॉजिटिव आयन, और उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स, है ना, इलेक्ट्रॉन्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स, मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स, मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, मेटल्स आर लिखते जाओ साथ में, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स, मेटल्स आर इलेक्ट्रो मतलब पॉजिटिव एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या है कि दे हैव टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स। वाई लूज इलेक्ट्रॉन्स? इलेक्ट्रॉन्स ना, इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की टेंडेंसी होती है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे, वाई इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की टेंडेंसी होती है? टू फुलफिल देयर ऑक्टेट। जैसे फॉर एग्जाम्पल सोडियम, सोडियम, कैल्सियम, मैग्नीशियम, कॉपर, सिल्वर, राइट, गोल्ड एटसेट्रा, टीन, एसन, है ना, एटसेट्रा, ये सब जो है, पोटेशियम, ये सब क्या है कि ये सब इलेक्ट्रॉन लूज करने की इनकी टेंडेंसी होती है। अब हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है, तो इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करेगा? तो जैसा कि मैंने कहा कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए, इसका मतलब ये है कि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ठीक है, क्लियर है कि नहीं होते? तभी तो आपके पास, अगर पैसे नहीं है तो आप पैसे लेने की कोशिश करेंगे, आपके पास किताबें नहीं है तो आप किताब लेने की कोशिश करेंगे, है ना। तो इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो चीज नहीं होता है वही तो आदमी गेन करने की कोशिश करता है, तो ऑफ कोर्स इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो कितने इलेक्ट्रॉन है ये आपको कॉन्फ़िगरेशन से पता चल जाएगा। जैसे सोडियम की बात करूं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। तो ऑफ कोर्स ये है आउटर मोस्ट ऑर्बिट, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसे 8 नहीं है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या होगा कि 7 इलेक्ट्रॉन या तो ये रिगेन करने करेगा, कहीं से मिल जाए इसको 7 इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट कर ले, गेन कर ले, या 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर ले। गेनिंग ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना, कोई या मेरे पास 1 रुपया है, बस अब 99 रुपया की देरी है, मेरे पास 100 रुपये हो जाएंगे, तो 99 रुपया इकट्ठा करना थोड़ा मुश्किल है। और किसी के पास 101 रुपया है और कहा जाए कि 100 करना है तो क्या करेगा, 1 रुपया किसी को दे देगा। वैसे ही यहाँ पर भी है कि हम 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करने वाली बात ज्यादा सुटेबल है, ज्यादा आसान है, रादर देन की गेनिंग 7 more इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने से इसमें जो पॉजिटिव चार्जेज हो जाएंगे, अर्लियर क्या है कि अर्लियर 11 पॉजिटिव चार्जेज है एटॉमिक नंबर 11 होने की वजह से, और 11 निगेटिव चार्जेज है। तो जितने पॉजिटिव चार्जेज हैं उतने ही निगेटिव चार्जेज है, तो इसलिए इसको कहेंगे कि ये न्यूट्रल है। इसमें ओवरऑल ना तो कोई पॉजिटिव चार्जेज है ना कोई निगेटिव चार्जेज है, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जितने पॉजिटिव उतने निगेटिव। लेकिन अब जब चूंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ये 8 कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 10, और प्रोटॉन कितने रह जाएंगे, 11। प्रोटॉन तो लूज होते नहीं, वो तो न्यूक्लियस में रहता है। तो इस स्थिति में 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने से सोडियम के ऊपर 1 प्रोटॉन ज्यादा होने से 1 पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा हो जाएंगे, तो इसलिए ये बनाता है पॉजिटिव आयन्स। तो इस तरह से सोडियम का ये पॉजिटिव आयन बन गया, और इस पे चार्ज कितना हो गया, एक्स्ट्रा चार्ज कितना हो गया, +1। इसी तरह से अगर हम कैल्शियम की बात करें,
तो कैल्शियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है 2882। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी या तो 6 गेन करे या 2 लूज कर दे। तो 2 लूज करना आसान है 6 गेन करने के बजाय, तो इसलिए चूंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसमें 2 प्रोटॉन्स ज्यादा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए इस पे 2 पॉजिटिव चार्जेस हो जाता है और ये बनाता है, इसको कहेंगे पॉजिटिव आयंस। इसी तरह से अन्य जितने भी इसमें हैं उन सब के साथ भी है, एल्युमिनियम भी है इसके अंदर, ठीक है ना। तो इन सब के साथ ये है कि ये इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं। वाई? टू फुलफिल देयर ऑक्टेट। ऑक्टेट फुलफिल करना क्यों जरूरी है? स्टेबिलिटी के लिए। स्टेबिलिटी के लिए ऑक्टेट फुलफिल करना जरूरी है। बाहर में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, वो लूज करते हैं, और जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 6 है, वो क्या करते हैं? वो गेन करने की कोशिश करते हैं। 6 और 7 है, वो गेन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 1 और 2 गेन करने से उसको 8 हो जाएगा। इवन 5 है तो या आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो वो भी चाहेगा कि हम गेन कर लें और गेन करके 8 पूरा कर लें, यानी उसको 3 ही गेन करने होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, सिंपल सा थ्योरी है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं ऑक्टेट पूरा करने के लिए वो यूजुअली नॉन मेटल्स होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं वो मेटल्स होते हैं। तो मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स एंड नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट्स, यानी जिनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है वो मेटल्स होते हैं, जिनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की होती है वो होते हैं नॉन मेटल। तो ये मेटल का कोई डेफिनेशन एग्जैक्ट नहीं है, ये कैरेक्टरिस्टिक है, जिस कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे किसी मेटल को हम, किसी एलिमेंट को हम मेटल या नॉन मेटल में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ये तो एक प्रॉपर्टी हो गई, इसको हम इलेक्ट्रॉन थ्योरी भी कह सकते हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है मेटल्स और नॉन मेटल्स की, वो हम बारी बारी से सीखने की कोशिश करते हैं। तो मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स, एक बात तो समझ में आ गई कि मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स, दे हैव टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स। अब कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक पे बात करते हैं कि मेटल्स किस तरह का होता है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो पहले बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, थोड़ा ढंग से लिखूं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। ये पहला, मेटल दिखता कैसा है। तो मेटल्स का कोई स्पेसिफिक कलर नहीं होता। अब गोल्ड है वो कैसा है? गोल्ड का एक अलग कलर है, येलोइश है। सिल्वर है, व्हाइटिश है। कॉपर है, वो ब्राउन थोड़ा सा है, ब्राउन कलर का है। लेड है, उसकी कोई कलर नहीं है, ट्रांसपेरेंट है, अलग अलग कलर के हम बनाते हैं। लेड मतलब ग्लास, तो ग्लास भी एक मेटल है, इसके अलग अलग कलर के फॉर्म में हम बनाते हैं, बट प्योर ग्लास जो होता है उसका कोई कलर नहीं होता, नो कलर, ठीक है ना। तो इस तरीके से अलग अलग, एल्युमिनियम है ये व्हाइट होता है, उसके भी अलग अलग कलर में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। एल्युमिनियम की अभी दरवाजे खिड़की देखते होंगे आप, अलग अलग कलर में वो कोट किया जाता है, बट बेसिकली एल्युमिनियम जो होता है, बॉक्साइट से जो एल्युमिनियम निकलता है वो होता है व्हाइट कलर का। तो ये है कि आप कहेंगे लॉजिकली तो कहें व्हाइट कोई कलर ही नहीं होता, भाई प्योर के हिसाब से व्हाइट उसमें कोई कलर नहीं है। तो इस तरीके से कलर जो मेटल का है कोई स्पेसिफिक नहीं होता, बट एक स्टेटस होती है कि मेटल किस तरह का होता है, उसका सॉलिड, लिक्विड या गैस। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड, ठीक है, मैक्सिमम मेटल जो है वो सॉलिड है। अब क्या मोस्ट ऑफ द, जब हम कह रहे हैं इसका मतलब सीधा सीधा है कि कुछ मेटल्स ऐसे होंगे जो सॉलिड नहीं भी होंगे, है ना। तो यस, देयर आर सम मेटल्स विच आर नॉट सॉलिड। तो पहले हम लिखते हैं कि सॉलिड है कौन, और दूसरा फिर उसके बाद लिखते हैं कि कौन सा नहीं है। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर, मेटल्स आर सॉलिड, सॉलिड जैसे एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड,
सिल्वर है ना, Au, और कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ये सब सॉलिड है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे सॉलिड है एटसेट्रा, ये सब क्या है, कॉपर, ये सब सॉलिड है। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो सॉलिड नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मरकरी। मरकरी क्या है, लिक्विड स्टेट में, Hg मरकरी, ये क्या है, लिक्विड स्टेट में, ठीक है, मरकरी इज इन लिक्विड स्टेट। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड, बट देयर आर सम एक्सेप्शन, इसको हम कहते हैं मरकरी, ठीक है। मरकरी जो है वो लिक्विड नेचर का होता है, ठीक है। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हाई मेल्टिंग पॉइंट, मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, राइट। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, लेकिन कुछ ऐसे हैं, जब मोस्ट ऑफ द बात करते हैं तो इसका मतलब कुछ तो होंगे जो कि कम होंगे। और हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट जैसे टंगस्टन है, हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। इसी तरह से गैलियम, मरकरी, गैलियम, मरकरी एंड सम अल्कली मेटल्स, एंड अल्कली मेटल्स, मेटल्स हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। पॉइंट ये होता है, इसमें मरकरी की सबसे लोएस्ट होती है, मरकरी हैज लोएस्ट, जैसे टंगस्टन की बोली हाईएस्ट, सेम मरकरी के लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होती है, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होती है और इसकी टंगस्टन की हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होती है। तो ये दो बातें आप याद रख सकते हैं कि ये जो है टंगस्टन की हाईएस्ट है और मरकरी की क्या है, लोएस्ट, ठीक है। उसके बाद जब मेटल सॉलिड होता है तो हार्ड भी होता होगा, तो हार्डनेस एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई मेटल की, हार्डनेस, 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 ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर वेरी हार्ड, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर वेरी हार्ड, इट इज डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट टू कट देम विद नाइफ्स, ठीक है। बट मेटल्स लाइक सोडियम, सोडियम एंड पोटेशियम, पोटेशियम आर वेरी सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट, दे कैन बी कट इंटू पीसेज, इंटू इजली विथ नाइफ, ठीक है। तो ये हार्डनेस जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक हो गई, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना, स्टेटस ये हो गई। अब इसके अलावा और कौन सी प्रॉपर्टी होती है, तो ये जो होता है इसमें डक्टिलिटी होती है, जैसे कि मैंने कहा कि डक्टिलिटी भी एक प्रॉपर्टी होती है। डक्टिलिटी क्या प्रॉपर्टी है, डक्टिलिटी एंड मेलियबिलिटी, डक्टिलिटी एक ऐसा है प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स होती है मेटल की, जिससे मेटल के वायर्स खींचे जा सकते हैं। तो वायर्स कैन बी ड्रोन फ्रॉम मेटल्स, द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच, द प्रॉपर्टी
due to which wires can be drawn from metals, है ना? Wires can be drawn from metals. So metals are ductile. ये कह सकते हैं. Therefore, we can say metals are ductiles. Metal ductiles होते हैं. उसके अलावा जो properties होती है, वो होता है malleability. तो malleability ये क्या characteristics है? The property virtue of metals by which it can be beaten into sheets in form of thin sheets, ठीक है, thin sheets, इनके चादर बनाए जा सकते हैं, sheet, gold and silver are most malleable metals, है ना? Most malleable metals, ये आप याद रख सकते हैं. गोल्ड जो है सबसे ज्यादा मेलिएबल होता है, सिल्वर भी होता है, बट गोल्ड सबसे ज्यादा मेलिएबल होता है, और इसके पतले पतले सीट्स खींचे जा सकते हैं. इसलिए गोल्ड का इस्तेमाल जो होता है वो तरह तरह के ऑर्नामेंट्स बनाने के अतिरिक्त इसका इस्तेमाल जो होता है वो साड़ी बनाने में भी होता है, कोई और कपड़े बनाने में भी होता है, क्योंकि इसके बहुत सारे पतले पतले वायर्स और सीट के फॉर्म में इसको कन्वर्ट किए जा सकते हैं. तो ये होता है कि मेलिएबल भी एक प्रॉपर्टीज है, एक डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है. इसके अलावा सोनोरिटी एक प्रॉपर्टी होती है. सोनोरिटी क्या होता है कि मेटल्स को अगर आप ऐसे टक टक करें तो आवाज निकलती है, तो इसको हम कहते हैं सोनोरिटी. मीन्स मेटल्स प्रोड्यूस साउंड्स व्हेन दे स्टक बाय हैमर, ठीक है? तो इस प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं सोनोरिटी. सोनोरिटी, मेटल्स प्रोड्यूस साउंड्स, प्रोड्यूसेज साउंड, मेटल प्रोड्यूस साउंड्स, मेटल्स प्रोड्यूस साउंड व्हेन दे स्टक बाय हैमर, स्ट्राइक्स बाय हैमर. हैमर से पीटने पे इसमें आवाज निकलती है, या वैसे भी कोई हल्की सी इवन की एयर भी स्ट्राइक करे उसे तो एक हल्की सी सनसनाहट आती है. तो ये है सोनोरिटी. इसी तरह से और कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है मेटल को. हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि मेटल्स क्या है. इसको कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी. थर्मल कंडक्टिविटी ये एक एक्टिविटी के जरिए आप चेक कर सकते हैं घर पे भी. एक ये क्लैंप है, इसमें एक वायर ले लिया, कोई भी मेटल का वायर ले लिया. मान लीजिए कि आपने ले लिया इसको, आयरन कहीं ले लिया, ठीक है, और इसमें एक पिन पॉइंट कर दिया और वैक्स लगा दिया, और यहाँ किसी चीज से गर्म कीजिए, गैस बर्नर से या घर पे की जो गैस है उससे भी कर सकते हैं, कैंडल से भी कर सकते हैं. आप गर्म जब करेंगे तो ये लोहा गर्म होगा, ये पतला सा वायर जो गर्म होगा. गर्म होने के बाद यहाँ जो आपने पिन को अटैच कर रखा है वैक्स की मदद से, तो ये जब गर्म होगा तो मोम पिघलेगा, और मोम पिघलेगा तो क्या होगा, ये पिन जो है नीचे गिर जाएगा. इसका मतलब ये हुआ कि हीट जो है वो यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर हुआ. तो इसका मतलब है कि मेटल्स कंडक्ट थर्मल कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी का मतलब हुआ कि हीट ट्रांसफर. थर्मल कंडक्टिविटी, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर गुड थर्मल कंडक्टिविटी. तो हम ये कह सकते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है. मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एक्सेप्ट लेड. ये पुअर कंडक्टर है. इसी तरह से मरकरी भी कोई बहुत अच्छा नहीं है, बट पुअर कंडक्टर है. सीसा बहुत देर से गर्म होता है, जल्दी से ही ट्रांसफर नहीं करता. इसलिए आप देखे होंगे कार के अंदर एक बार हीट आ जाता है तो आप जब गर्मी के दिनों में कार खोलते हैं तो अंदर बहुत एकदम हीट हो जाता है. और इसलिए ग्लास को हम ऐसा इस्तेमाल करते हैं ताकि वो हीट ज्यादा प्रोड्यूस कर सके. हीट ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते किसके लिए?
जैसे मान लो कि आपको कोई कैक्टस वगैरह का इस तरह का कोई बनाना है, घर में बनाना है जहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करनी है, तो वहां पे ऐसे जो देखे होंगे आप कहीं पार्क वार्क में गए होंगे, तो जो इस तरह के प्लांट्स होते हैं कैक्टस और उसकी कोई भी स्पीसीज का, तो उसके ऊपर ग्लास का स्ट्रक्चर रहता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा हीट उनको प्रोवाइड कर सके। तो ग्लास इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ये हीट क्या होता है कि एक बार आता है फिर ये ट्रांसफर नहीं होता है, हीट एक बार एब्जॉर्ब कर लेता है अंदर, जो भी आ गया हीट उसको ये जल्दी ट्रांसमिट नहीं करता है, मतलब कंडक्ट नहीं करता है। बट रेस्ट ऑफ द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एक्सेप्ट मरकरी एंड लेड। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट से आपको पता चल गया। इसी तरीके से आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि एक वायर ले लो और एक बैटरी ले लो, कॉपर का वायर ले लिया आपने, और ये देखिए एक कॉपर का वायर ले लिया, ये कॉपर वायर ले लीजिए, कॉपर या कोई भी और ले सकते हैं, कॉपर वायर ले लिया मान लीजिए, या एल्यूमिनियम का ले सकते हैं, या गोल्ड का ले सकते हैं, सिल्वर का ले सकते हैं कोई भी, और ये दो इसके क्लिप्स है, और इस क्लिप्स को आप किसी चीज के साथ इंसर्ट कर दीजिए, किसी बैटरी वगैरह के साथ या किसी भी के साथ, इन दोनों को अगर ज्वाइन कर दें क्लिप्स को, तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। स्विच को ऑन करते ही ये बल्ब जल पड़ेगा। इसका मतलब है कि इस बैटरी में जो इलेक्ट्रिसिटी और चार्जेज कंजर्व थी, वो धीरे धीरे क्या हुआ, इस वायर के जरिए आके और इस सर्किट को पूरा किया। इसका मतलब है कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको कहेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी है मेटल्स के अंदर, ये भी इनकी प्रॉपर्टी। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनके पास होता है फ्री चार्ज कैरियर्स, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो चार्ज कैरियर के रूप में काम करते हैं, चार्ज कैरियर के रूप में काम करते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स में होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, और ये चार्ज कैरियर के रूप में काम करते हैं, इसलिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी होता है मेटल के अंदर, ये सब करेक्ट। उसके अलावा मेटल्स पे एक मेटालिक लश्चर भी होता है, मेटालिक लश्चर, क्या मतलब होता है इसका, ये है कि हर एक मेटल के इफ मेटल्स आर प्योर दे हैव साइनिंग सरफेस, इसी को कहते हैं कि मेटालिक लश्चर। जैसे आप गोल्ड को देखिए ऑर्नामेंट्स क्यों पहनते हैं, उसमें साइन होता है, अगर साइन नहीं होता, सिल्वर का ऑर्नामेंट्स पहनते हैं साइन होता है, प्लेटिनम के भी लोग कुछ पहनते हैं क्योंकि उसमें साइन होता है, और इस तरह का अगर साइन ना हो तो कोई इसके नहीं पहन सकता है, यूजुअली नहीं पहनेगा। बाकी इसके और भी चीज हम करते हैं तो साइनिंग होती है, जैसे कॉपर का वायर ही देखें उसमें एक स्पेशल साइन होती है, कोई सीट है उसमें स्पेशल साइन होती है। तो ये सब जो करेक्टरिस्टिक्स है मेटल के, हमने इतने सारे करेक्टरिस्टिक्स बताए, ये सारे करेक्टरिस्टिक्स अगर किसी एलिमेंट में है तो है मेटल। ये थ्री हो गए, फिर ये फोर्थ करेक्टरिस्टिक्स हो गई डक्टिलिटी, है ना, और ये हो गया फिफ्थ मेलियबिलिटी, इसी तरह से आप सिक्स कर सकते हैं सोनोरिटी, है ना, सेवेंथ आप कह सकते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, एट कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, है ना, तो ये एट हो गया, और मेटालिक लश्चर नाइन हो गया। तो ये इतने सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं, जिन एलिमेंट्स में इन सब करेक्टरिस्टिक्स होंगे उसको हम कहेंगे मेटल्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस तरह करेक्टर्स क्या, हालांकि सब में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन है, बट एक्सेप्शन को छोड़ो, डेमोक्रेटिक सेटअप में हम क्या करते हैं, जो ज्यादा बहुसंख्यक होते हैं उनकी बात करते हैं, और जो एक्सेप्शन होता है उनको भी याद रखते हैं, ऐसा नहीं कि उसको इग्नोर कर देते हैं, बट मोस्टली जो कॉमन करेक्टरिस्टिक्स होती है उसको हम कहते हैं कि ये करेक्टरिस्टिक्स है, और ये पूरी सोसाइटी का करेक्टरिस्टिक्स है, ये पूरे ग्रुप का करेक्टरिस्टिक्स है, इसी तरीके से ये मेटल का करेक्टरिस्टिक्स है।
जो ऑलमोस्ट मैक्सिमम मेटल्स में होता ही होता है। इसलिए हम ये सारी करेक्टरिस्टिक्स जिन भी एलिमेंट्स में होगा उसको हम मेटल कहेंगे। तो ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी था। अब नॉन मेटल की भी थोड़ी बात कर लें कि नॉन मेटल में क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो नॉन मेटल की भी थोड़ी बात कर लें, इनमें क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है। ये करेक्टरिस्टिक के हिसाब से ही हम डिसाइड करते हैं। तो इनका भी स्टेट की बात करें तो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर ईदर सॉलिड और गैस एक्सेप्ट ब्रोमीन। ब्रोमीन इट इज लिक्विड, ब्रोमीन इज ए लिक्विड बट नॉन मेटल। अब मेटल्स सॉलिड कौन कौन से होते हैं, गैस कौन से होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब क्या है एटसेट्रा, ये सब आर गैस, दीज आर नॉन मेटल्स बट दे आर गैस। कार्बन, सल्फर एटसेट्रा, दे आर सॉलिड। ठीक है, तो इस तरीके का मेटल्स जो होता है वो या तो सॉलिड होता है या गैस होता है, एक एक्सेप्शन है वो क्या है, ब्रोमीन। तो पहला चीज हो गया कि स्टेट कैसा होता है, और दूसरा चीज क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स होता है। एलिमेंट्स आर मतलब दोज एलिमेंट्स आर, या कह सकते हैं नॉन मेटल्स आर, ये लिखे इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स मतलब दैट इज दे आर गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स, दे गेन्स इलेक्ट्रॉन, दे गेन इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स ना टू फुलफिल देयर ऑक्टेट। कुछ ऐसे हैं जो शेयरिंग भी करते हैं, जैसे कार्बन है वो न तो लूज करता है न गेन करता है बल्कि वो शेयरिंग करता है, ठीक है ना। लेकिन ज्यादातर जैसे क्लोरीन है तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ब्रोमीन है, आयोडीन है, ठीक है ना, तो ये सब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। हाइड्रोजन भी मोस्ट ऑफ द केस में इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और कुछ इलेक्ट्रॉन में केसेज में इलेक्ट्रॉन लूज भी करता है। तो इसमें दोनों ही करेक्टरिस्टिक्स है, इसमें मेटल और नॉन मेटल के दोनों करेक्टरिस्टिक्स है। बट ये है क्या, कुछ करेक्टरिस्टिक्स मेटल के भी हैं, जैसे इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी होता है, कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कहीं इलेक्ट्रॉन गेन भी करता है, कहीं शेयरिंग भी करता है, लेकिन है ये नॉन मेटल, ठीक है ना। और चूंकि इसकी कुछ इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक्स है इसीलिए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में इसको मेटल के साथ ही रखा गया है नॉन मेटल, बट इसकी ग्रुपिंग जो हुई है वो मेटल के साथ हुई है। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, ये सब आपको बात याद रखना चाहिए, ठीक है। और ये डल होता है, इसमें साइनिंग नहीं होती, तो ये होते हैं डल। अब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किसी को भी आप देखेंगे तो इनका जो होता है साइन कुछ नहीं होता, ये डल है। सल्फर है, कार्बन है, ये डल नेचर का होता है। तो दे आर डल, डल दे आर डल एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड इज ए फॉर्म ऑफ कार्बन जिसमें साइनिंग बहुत होती है ना, बाकी सब डल होते हैं। तो एक तो ये चीज, इसी तरह से आयोडीन और ग्रेफाइट में भी, आयोडीन एंड ग्रेफाइट, ग्रेफाइट ग्रेफाइट भी एक कार्बन का फॉर्म हैज सम साइनिंग, थोड़ा सा साइनिंग होती है इसमें, मेटालिक लश्यर टाइप होता है, मेटालिक लश्यर, इसको साइनिंग को हम क्या कहते हैं, मेटालिक लश्यर, ठीक है ना। तो हैज सम मेटालिक लश्यर, थोड़ी सी साइनिंग होती है, तो ये एक्सेप्शन है, बट मोस्ट ऑफ देम आर डल। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इट हैज लो मेल्टिंग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स। तो नॉन मेटल के लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है।
ये बात दिमाग में रखना है। बट कुछ जो है जैसे कार्बन है, सिलिकन है, बिस्मथ है, ब्रोमी बोरोन है, इन सब के थोड़ी सी जो होते हैं वो है कंपेरेटिवली हायर मेल्टिंग पॉइंट, हैज कंपेरेटिवली हायर मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, ये होता है। इसी के अलावा थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी नॉन मेटल्स आर पुअर, ये कह सकते हैं, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये आपको थोड़ी सी मदद करेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये कोई एलिमेंट जो आपको मिला है वो मेटल है कि नॉन मेटल है ना। एक और प्रॉपर्टीज होती है ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस ब्रिटल होता है ये, इसका मतलब है कि ये ना तो मेलिएबल होते हैं ना डक्टाइल होते हैं। इसको अगर बीट करें, हम पीटें, तो ये चादर में नहीं बदलेगा बल्कि टूट जाएगा, ये ब्रोकन इनटू पीसेज। सो दे आर नीदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल, सो व्हेन दे आर बीटन दे ब्रोक इनटू पीसेज, ठीक है, ये होता है। तो ये सब कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक है, जिसके आधार पे हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है ना। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आप देख सकते हैं सब्सटेंस के हिसाब से जो एलिमेंट मिलेगा, ये आपको याद रखना ही है, और इसको याद रखेंगे तो आपको सुविधा होगी मेटल्स और नॉन मेटल्स आइडेंटिफाई करने में। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज किसका, पहले मेटल का कर लेते हैं है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, मेटल्स कहीं पर भी अगर आपको केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह निकालनी है या पता करनी है, तो आप पता करेंगे पहले कि एयर से किस तरह से रिएक्ट करता है। पहला जो है वो हम कहेंगे रिएक्शन विथ एयर, रिएक्शन ऑफ मेटल मेटल्स विथ एयर, मेटल्स विथ एयर, ठीक है, एयर के साथ। एयर का मतलब क्या है, प्योरली ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, तो जैसे मैग्नीशियम, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये पहले पढ़ चुके हैं आप, और ये 2MgO इधर 2 ना, तो ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, और ये है मैग्नीशियम, यानी जो भी मेटल होगा उसका क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। अब ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर कॉपर से रिएक्शन करें तो क्या बनाएगा, जैसे ये कॉपर है और ऑक्सीजन से रिएक्शन करे तो ये भी बनता है CuO, कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, इधर दो से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर दो से बनाई कर दिया, तो ये हो गया कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। अगर सोडियम से रिएक्शन करें ऑक्सीजन का, तो ये बना देगा सोडियम ऑक्साइड, ये भी, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो मेटल से हम रिएक्शन करवा रहे हैं, तो मेटल से रिएक्शन करने के बाद बन रहा है मेटल ऑक्साइड। इसी तरह से अगर अल्मोनियम से रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा, तो
तो एल्युमिनियम प्लस ओ टू इज इक्वल टू एल टू ओ थ्री, ऐसा बनेगा, ये कहलाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑक्साइड, है ना। तो ये अब कैसे बैलेंस करोगे इसको, तो एल्यूमिनियम यहाँ पे ऑक्सीजन तीन है, यहाँ पे दो है, तो इसको तीन से मल्टीप्लाई कर दूं अगर तो ये हो जाएंगे छह, और इसको दो से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी हो जाएंगे छह ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, एल्यूमिनियम हो गया फोर, तो यहाँ फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया फोर एल्यूमिनियम प्लस थ्री ओ टू, साफ साफ लिख दूं, प्लस थ्री ओ टू इज इक्वल टू टू एल टू ओ थ्री, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। अब आप देखें कि पहली चीज तो कि ऑक्सीजन से हवा पानी यही सब चीज तो है, एसिड है, तो वाटर से रिएक्शन करके क्या बनेगा, मेटल को अगर वाटर से रिएक्शन कराएं तो क्या रिएक्शन करेगा, अगर रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, ये सोचने की जरूरत है। उसके बाद हम बात करेंगे एसिड से रिएक्शन करके क्या बनेगा। एक एक्सपेरिमेंट में आप देखेंगे कि यहाँ पे एक मेटल का सैंपल रखा हुआ है और इसको गर्म किया जा रहा है, ये सोक वाटर है, यानी वाटर यहाँ से और ये मेटल इन दोनों के साथ रिएक्शन होगी, जब गर्म होगा तो यहाँ से ये निकल के ये ट्यूब के जरिए आप देखेंगे हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड इसको कहते हैं, तो इनमें से हाइड्रोजन निकलेगा। इसका मतलब जब हम वाटर से रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और मेटल का ऑक्साइड बन जाता है, यानी मेटल जब रिएक्शन करेगा वाटर से, मेटल प्लस वाटर, तो ये बनेगा मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना, और प्लस हीट भी थोड़ा सा रिलीज होता है, हीट भी रिलीज होता है, फिर ये मेटल ऑक्साइड जो है वाटर के साथ फिर से रिएक्शन करके ये बना देता है मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल ऑक्साइड फिर से रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर बना देता है मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कहें तो पोटेशियम के प्लस एच टू ओ, ये बनाएगा के ओ एच प्लस एच टू प्लस हीट, ये रिलीज होगा, एच टू ये गैस है, ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड जो आखिरी चीज बनी, बीच वाला चीज नहीं दिखा रहे यहाँ पर, देखिए हाइड्रोजन दो है तो यहाँ दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ पे दो और दो चार हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ दो से मल्टीप्लाई करेंगे चार हाइड्रोजन हो गए, दो ऑक्सीजन यहाँ, दो ऑक्सीजन यहाँ, दो पोटेशियम यहाँ, दो पोटेशियम यहाँ, तो ये बन गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह से सोडियम, सोडियम जो हमारा है इसको H2O से रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट यहाँ पे भी निकलेगा। तो ये यहाँ पर भी क्या होता है कि ये हाइड्रो, इसको कहेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसको भी बैलेंस कर सकते हैं, कैसे बैलेंस करेंगे, यही वही काम कर लेंगे, दो से मल्टीप्लाई कर दिया तो फोर हाइड्रोजन हो गया, दो से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन चार हाइड्रोजन हो गया, यहाँ भी चार हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, दो सोडियम, दो सोडियम, तो ये सोडियम है, ये सोडियम से हमने रिएक्शन कर दिया वाटर का, तो ऐसा रिएक्शन हो गया कि हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे। तो वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बन जाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ये एक कॉमन बात है जो आपको पता होना चाहिए। तो ये पोटेशियम और सोडियम जो है बहुत तेजी से वाटर के साथ रिएक्शन करता है, ये इवन एयर में भी बहुत तेजी से रिएक्शन करता है, इसलिए इनको किरोसिन ऑयल में रखा जाता है, ये वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं इवन वाटर में भी चाहे ऑक्सीजन में भी, इसलिए इनको किरोसिन तेल में रखा जाता है सोडियम को, ताकि ये रिएक्ट ना करे। अब कैल्शियम की बात करते हैं, जैसे कैल्शियम है ये रिएक्शन तो करता है बट उतना वायलेंट नहीं, तो ये भी बनाता है CaOH2, CaOH2। अब ये इसमें भी बनेगा कैल्शियम प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ये गैस रिलीज होगी, ये क्या है, ये एक्वस है, सॉल्यूशन एक्वस होगा, घोल होता है, ये वाटर है, लिक्विड है ना, वाटर लिक्विड फॉर्म में है, और ये कैल्शियम है, ये सॉलिड फॉर्म में है, कैल्शियम ये सॉलिड है, तो सॉलिड लिक्विड एक्वस और गैस, इस तरीके का ये रिएक्शन करता है, लेकिन ये रिएक्शन स्लो होती है, उतनी फास्ट नहीं होती, लेकिन रिएक्शन होती है। इसका मतलब मेटल्स जो हैं वो अगर रिएक्शन करते हैं वाटर से तो उसके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं,
लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो रिएक्ट करके वाटर के साथ सिर्फ ऑक्साइड तक ही बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते। जैसे एल्युमिनियम है, आयरन है ना, एल्युमिनियम आयरन है, जिंक है, ये सब रिएक्शन करके वाटर के साथ सिर्फ ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ये Fe प्लस H2O बनाएंगे तो ये बनाएगा Fe3O4 प्लस H2, है ना, इस तरीके का गैसेज बनाते हैं। अब जिंक के साथ H2O को करेंगे रिएक्शन तो ये बनाएगा जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस H2। अब इनको बैलेंस भी कर सकते हैं आप चाहें तो। बैलेंस करने के लिए स्टेटस तो आप लिख ही रख देते हैं, ये सब सॉलिड है, ये वाटर है तो ये सारा लिक्विड है, ये जो ऑक्साइड बन रहे हैं सारे तो ये भी सॉलिड है, और ये जो है ये गैस है, हाइड्रोजन रिलीज हो रही है। आप यहाँ पे अब इसको बैलेंस कर सकते हैं, तीन ऑक्सीजन है इधर, एक ऑक्सीजन है, तो इसको तीन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो तीन ऑक्सीजन हो जाएगा। अब हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पे, दो, और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, छह, तो यहाँ पे 3H2 लिख देंगे। एल्युमिनियम यहाँ दो है तो इधर दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये सब तो बैलेंसिंग आपको सिखा रखा है पिछले चैप्टर में, और उम्मीद है कि आपने अच्छा से सीख भी लिया होगा, तो ये अच्छी तरह से आप कर भी सकते हैं। यहाँ तीन आयरन है, ऑक्सीजन चार है, और ऑक्सीजन चार है तो यहाँ फोर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन तो फोर हो जाएगा। अब ऑक्सीजन फोर हो गया तो हाइड्रोजन एट हो गया, तो एट हो गया तो यहाँ फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ भी हाइड्रोजन एट हो गया। अब आयरन इधर थ्री है तो इधर थ्री से मल्टीप्लाई कर दो। जिंक ऑक्साइड ZnO जो है, अब इसमें क्या बनेगा, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक जिंक है, यहाँ पे एक जिंक है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि वाटर के साथ रिएक्शन करके ये सब ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऑक्साइड तो बनाते ही बनाते हैं, उसके बाद कुछ हाइड्रोक्साइड में भी कन्वर्ट हो जाते हैं और कुछ जो है ऑक्साइड तक ही रह जाते हैं। उसके बाद बारी आएगी रिएक्शन विथ एसिड, रिएक्शन विथ एसिड, ठीक है ना, डाइल्यूट एसिड, बेसिकली डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करते हैं, डाइल्यूट एसिड। जैसे हम मान लीजिए कि रिएक्शन कराते हैं जिंक का HCl से, जिंक प्लस HCl, HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस HCl, तो ये बनता है ZnCl2 प्लस H2। अब यहाँ पे क्लोरीन दो है, यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दो क्लोरीन हो गया, यहाँ दो हाइड्रोजन हो गए, दो हाइड्रोजन हो गए, ये हो गया, तो ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड भी बोलते हैं। ये है जिंक, है ना, और ये है जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, और ये हाइड्रोजन गैस हो गया, हाइड्रोजन गैस, है ना, तो हाइड्रोजन गैस हो गया ये, तो ये रिएक्शन किया डाइल्यूट एसिड से तो ये हो गया जिंक क्लोराइड। इसी तरह से मान लो मैग्नीशियम की बात ले ले, एग्जांपल और ले लेते हैं, मैग्नीशियम को डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन कराएं, मैग्नीशियम प्लस H2SO4, डाइल्यूट H2SO4, तो ये बनता है मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, तो यहाँ पर भी वही चीज हो गया, हाइड्रोजन, और ये है मैग्नीशियम सल्फेट, सल्फेट, और ये सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये है मैग्नीशियम, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है रिएक्शन करते हैं एसिड से भी, और एसिड से रिएक्शन करके और उनके एसिड प्लस मेटल मिल करके या तो उनके क्लोराइड बनाते हैं या सल्फेट बनाते हैं, ठीक है ना, मेटल क्लोराइड या मेटल सल्फेट बनता है। तो ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। मेटल के ऑक्साइड भी एसिड से रिएक्शन करते हैं, मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्शन करके कर सकते हैं। जैसे एल्युमिनियम की ऑक्साइड ले तो Al2O3 प्लस HCl ये मिलेगा, ये रिएक्शन करा दें तो ये मिलेगा एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस, क्या मिलेगा होता है, प्लस H2O मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे बैलेंस कर लेते हैं, देखो क्लोरीन यहाँ थ्री है,
और यहाँ ऑक्सीजन 3 है, तो ऑक्सीजन 3 है तो इसको 3 से पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ऑक्सीजन को बैलेंस किया जा सके, तो ये है 3H2O। अब ऑक्सीजन 3 बैलेंस हो गया इधर में, और यहाँ पे कितने हैं हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन 6 हैं। अब इसको हमें 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर, तो ये क्या हो जाएगा 6 हाइड्रोजन। अब क्लोरीन यहाँ 6 हो गए, तो क्लोरीन 6 करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम, 6 क्लोरीन 6 क्लोरीन, 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, तो सब बैलेंस हो गए। तो इसको कहते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड क्लोराइड, ठीक है। ये है वाटर, ये था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये बेस से भी रिएक्शन कर सकता है। देखो प्लस NaOH, इससे रिएक्शन कराए, ये क्या है, यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, ये सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड वही है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये क्या बनेगा, NaAlO2, इसको कहते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, प्लस क्या मिलेगा H2O, वही वाटर है ना। इसको भी बैलेंस कर सकते हो, कैसे बैलेंस करोगे, तो यहाँ पे अब देखो एल्यूमिनियम किधर है, इधर 2 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अब ये हो गया 2 एल्यूमिनियम 2 सोडियम, तो इधर भी 2 सोडियम होना चाहिए। अब देखो हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, और इधर में 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, इधर में ऑक्सीजन है 2 और 1 3, इधर में ऑक्सीजन है सॉरी 2 और 3 5, 5 ऑक्सीजन है, इधर में ऑक्सीजन हो गए 4 और 1 5, ठीक है, वो भी बैलेंस है। सोडियम 2 हो गए, एल्युमिनियम हो गए, और सोडियम भी हो गया, एल्युमिनियम भी बैलेंस हो गया, एल्युमिनियम 2 इधर 2 इधर, ऑक्सीजन 3 इधर और 2 3 2 5, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन और 1 5, तो ये सब कुछ बैलेंस हो गया। इस तरीके से ये एसिड से भी रिएक्ट कर सकते हैं, डाइल्यूट एसिड से सोडियम के मेटल के ऑक्साइड, और मेटल भी खुद एसिड से रिएक्ट करके, डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करके, और ये उस मेटल के क्लोराइड बनाते हैं, और कुछ स्पेशल चीजें भी जैसे सोडियम एल्यूमिनेट बना है ये बेस से रिएक्शन करके, लेकिन ये रिएक्शन करते हैं मेटल्स, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। कुछ इस तरह की बातें आज आपको याद रखना है, ठीक है ना, ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं मेटल की जो आपको याद रखना है। और एक बात और दिमाग में रखें कि जैसे हमने बताया कि नॉन मेटल्स जो हैं वो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होते हैं, लेकिन एक ग्रेफाइट होता है जो नॉन मेटल है, और कार्बन का ही, कार्बन चूंकि नॉन मेटल है उसी का एक फॉर्म है ग्रेफाइट, जिस तरह से डायमंड एक फॉर्म है उस तरह से ग्रेफाइट भी है, तो ग्रेफाइट इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो याद रखें इस बात को कि ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आप जो पीछे पढ़े हैं उसमें एक एक्सेप्शन ये जोड़ लीजिएगा कि ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो होपफुली ये आपको चैप्टर अभी तक जो बताया कि मेटल्स क्या हैं, नॉन मेटल्स क्या हैं, उनकी करेक्टरिस्टिक क्या है, और मेटल्स की करेक्टरिस्टिक्स को याद रखना है, और मेटल किस तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी क्या होती है, वाटर के साथ कैसे, एयर के साथ कैसे, एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करता है, ये 3 मेनली आपको याद रखना है, और ये सब रिएक्शंस जो हैं एक एक एग्जांपल के साथ आपको याद रखना चाहिए। तो अगली क्लास में फिर मिलते हैं, और नॉन मेटल की करेक्टरिस्टिक्स पे भी बात करेंगे, और कुछ और मेटल की जो एप्लीकेशंस हैं उन पे बात करेंगे। तो अगली क्लास में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।